रुड़की के ईदगाह चौक पर मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें दोनों ही पक्षों के चार लोग घायल हो गए। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। इतना ही नहीं, जब घायलों को लेकर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराने पहुंचे तो दोनों पक्ष हॉस्पिटल में ही पुलिस के सामने भिड़ गए और जमकर हंगामा किया। यहाँ इनका और प्रवीण सैनी का झगड़ा हुआ आपस में। बहुत इसने जो हाथापाई की, तोड़ फोड़ की, दुकान फोड़ दी इनकी, और इनके पिताजी के और लड़के के दोनों तीनों को चोट आई हुई है। उसके बाद में भी जब लोगों ने इसे पकड़ पकड़ के सब ने पुलिस में कराया, पुलिस में कराने के बाद में यहाँ लोग आए अक्सर यहाँ अस्पताल में आने के बाद में भी इसने जो है पूरे समाज को हमारे जो है एक तरफा गली दी, माँ बहन गली दी। और जिस तरीके से पुलिस इसके सामने मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, ये बहुत सोचने वाला विषय है, बहुत ध्यान देने वाला विषय है। इसने यहाँ भी, यहाँ रिकॉर्डिंग है सभी लोगों के पास, इसने इन्हें कहा कि तुम्हारी लड़की का वो कर देंगे। ये सिविल अस्पताल रुड़की में, और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, और पुलिस का रवैया देखे ढुलमुल रवैया है। उसके बाद में हमने सीओ साहब को फोन किया, जब उसके बाद में जो है दूसरी गाड़ी पुलिस की आई। तो लेडीज डॉक्टर भी थी और डॉक्टर भी छोड़ के चले गए। वो भी लेडीज डॉक्टर थी, उनके सामने भी माँ बहन की गाड़ियाँ थी उन्होंने, और लेडीज डॉक्टर जो है यहाँ से उठ के चली गई। और अब भी धमकी देकर गया है कि गोली मार दूंगा और जो है अपहरण करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। और इससे पहले भी 7 महीने पहले इसने जो है चीनू पंडित के नाम पर फिरौती मांगने की कोशिश की थी दुकान से यहाँ, तब इन्होंने हम लोगों को बताया, लेकिन हमने थोड़ा साइलेंट कर दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी दूर का नहीं है, आपस यहीं का ही है, पड़ोस का ही है। लेकिन उसका आज फिर इसकी जो बदतमीजी इसने की है, उसे देख कर लगता है कि भाई मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल की इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर भी अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर निकले। लेकिन जब काफी देर तक इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं आए तो सिविल हॉस्पिटल के CMS संजय कंसल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों के आए थे और यहीं अंदर ही इमरजेंसी के अंदर लड़ना शुरू कर दिया, गाली गलौज करनी शुरू कर दी। तो हमारी जो महिला चिकित्सा अधिकारी थी ड्यूटी पर, उन्होंने बड़ी मुश्किल भाग के जान बचाई, उन्होंने उनको मारपीट करने की नौबत आ गई थी उनके साथ भी। और जब पुलिस आई है तब जाके हमारा काम शुरू से चल शुरू हुआ। किस तरह का हंगामा हुआ था यहाँ? आपस में दोनों पक्ष भिड़ गए थे यहाँ इमरजेंसी के अंदर ही, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल मरीजों का इलाज किया जाता है, लड़ना है तो अस्पताल के बाहर जाके लड़ाई इसको लड़ना है। अस्पताल के अंदर अगर मरीज की इलाज में देरी हो जाती है, फिर हंगामा खड़ा होता है कि हाँ जी आपने इलाज में देरी कर दी, इससे मरीज को नुकसान हो गया। तो दोनों पक्ष भिड़ गए थे, तो आधा घंटे के आसपास हमारा काम फिर बाधित हो गया। पुलिस को बुलाया गया? हाँ, पुलिस आई। फिर उसके अंदर शुरू में केवल 2 ही पुलिस वाले थे, फिर पूरी काफी 8-10 पुलिस वाले आए हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, तब उसके बाद वो भीड़ कंट्रोल में आई है। दोनों पक्षों के तनाव को देखते हुए सूचना मिलते ही सीओ के साथ भारी पुलिस फोर्स भी हॉस्पिटल में पहुंची। पुलिस की देखरेख में ही फिर घायलों का उपचार किया गया। दरअसल मामला एक मिठाई की दुकान पर इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में धारदार हथियार चल गए। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। सीओ रुड़की स्वप्न किशोर का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज ईदगाह के पास आपस के दो दुकानदारों के बीच एक झगड़े की सूचना आई थी, जिसमें अभी तक दोनों पक्षों से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे अभी इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या मामला था, किस चीज़ को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ, और यदि इस संबंध में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी तहरीर दी जाती है या किसी भी रूप में अब घटना के बारे में कोई आधिकारिक सूचना दी जाती है तो निश्चित रूप से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। सर, सिविल हॉस्पिटल में भी लाया गया था उन्हें, तो उसके बाद भी उन्होंने वहाँ हंगामा किया और बदतमीजी करी, तो उसके बाद पुलिस फोर्स बुलाया गया उन्हें दोनों पक्षों को समझाने के लिए। निश्चित रूप से जो भी चीज़ें अभी जस्ट हम लोगों के जानकारी में मीडिया एवं अन्य साथियों की ओर से आया है, तो जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संबंधित पक्षों के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। देवभूमि न्यूज़ के लिए रुड़की से दिलशाद खान की रिपोर्ट।